जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अलादीन के चिराग वाले जिन का ख्याल आता है, मगर वास्तव में जिन जादुई चिराग वाले जिन से बहुत अलग होते हैं। इंसान के मरने के बाद जो रूह इस संसार में अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती रहती है, जिन कहलाती है। हिंदू धर्म में जिसे भूत प्रेत बुरी आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो मुस्लिम धर्म के अनुसार ये जिन या जिन्नात कहलाते हैं। अधिकतर जिन इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बहुत कम ऐसे जिन होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। जिन या जिन्नात काफी गुस्सैल होते हैं। जिन अक्सर सूनी जगह या सूने खंडर में वास करते हैं। जिन्नों को सफेद रंग और भोजन प्रिय होता है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार इंसान मरने के बाद जिन बनते हैं और अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों तक इस संसार में विचरण करते हैं। बहुत से जिन पराशक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। ये उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जिन्नात भी इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और मरना, पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से अलग है। जिन्नात अपने असली रूप में बहुत कम दिखते हैं, ज्यादातर वो मानवीय शक्ल इख्तियार करते हैं। जिन की दुनिया को और करीब से समझने के लिए जिन को 5 श्रेणी में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के जिन अलग अलग शक्तियों को रखते हैं और अपनी शक्तियों के बल पर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मरीद जिन की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्से और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। जिन्नातों को हवा में भी उड़ते देखा जा सकता है। इफरीत इंसानी दुनिया जैसे ही इफरीत जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला इफरीत और पुरुष इफरीत दोनों साथ रहते हैं। जिन्नात इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं। इफरीत जिन्नात बहुत जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरीत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। सिला सिला जिन सिर्फ एक महिला ही हो सकती है। किसी महिला की मृत्यु के पश्चात ऐसे जिन अस्तित्व में आते हैं। सिला जिन बहुत ही खूबसूरत होती है, पर यह ज्यादातर इंसानों की दुनिया से दूर ही रहती है। ये जिन बहुत ही कम होते हैं, किंतु मानसिक रूप से ये बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते हैं। घूल ये जिन कब्रिस्तान के आसपास दिखाई देते हैं। ये जिन इंसानी मांस खाते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। ये बहुत क्रूर भी होते हैं और इनकी शक्ल शैतान से मिलती है। इंसानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। बेताल ये जिन वैम्पायर्स की तरह इंसानों के खून पीते हैं और जिंदा भी इंसानों का खून पीकर ही रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में भी इसी बेताल का जिक्र मिलता है। ये जिन भूत और भविष्य दोनों देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। कुछ लोग साधनाओं के द्वारा जिन्नों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी बुरी मंशा को पूरा करवाने के लिए जिन्नों को अपने वश में करते हैं, किंतु अधिकांश लोग इसमें विफल होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं और मरने के उपरांत जिन्नों की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और हजारों वर्षों तक भटकते रहते हैं।